दिवाली के मौके पर पवन अरुणिता इंडियन आइडल पहुंचे, फिर सबके सामने पवन अरुणिता की लव स्टोरी का खुलासा हुआ। शायद आपको समझने में देरी लगी होगी, लेकिन पवन अरुणिता के फैंस बहुत अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इंडियन आइडल 13 के सेट पर क्या हो रहा है। बेशक इस बार पवन अरुणिता शो में नहीं पहुंचे, लेकिन उनकी कमी बिल्कुल नहीं खल रही है, बल्कि उनकी तरह इस शो में कंटेस्टेंट को लाया जा रहा है, उनकी स्टोरी दिखाने की कोशिश की जा रही है। पवन अरुणिता के रूप में चिराग काव्या ने एंट्री की। जी हां, पवन अरुणिता की तरह लव स्टोरी अब फिर से दिखाने की कोशिश की जा रही है। फर्क इतना है कि इस बार पवन अरुणिता की जगह चिराग और काव्या को लिया गया है। चिराग और काव्या ने दिवाली सेलिब्रेशन किया, इन दोनों पर काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा। हर्ष और आदित्य बार बार दोनों के लिए कमेंट्स भी करते हैं और इनका मजाक भी बनवा रहे हैं। परफॉर्मेंस काव्या करती है, लेकिन हर्ष चिराग के पेरेंट्स से पूछते हैं कि उन्हें काव्या की परफॉर्मेंस कैसी लगी। इतना ही नहीं, हदें तो तब पार होती है जब चिराग के पेरेंट्स से पूछा जाता है कि वो कैसी बहू चाहते हैं, वो भी काव्या के सामने। चिराग के पेरेंट्स कहते हैं कि जो बेटे की पसंद होगी वो हमारी पसंद होगी। बात यहीं पर नहीं खत्म होती है। नेहा कक्कर को जब पता चला कि चिराग को कई लड़कियां रिजेक्ट कर चुकी हैं, तो उन्होंने सबके सामने चिराग से पूछ ही लिया कि उन्हें आखिर लड़कियां रिजेक्ट क्यों करती हैं और यहां पर किसी ने रिजेक्ट किया है। तो चिराग बताते हैं कि हमारे ही कंटेस्टेंट में से एक लड़की है जो उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है। अब ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए और नेहा कक्कर पूरी बात की खाल निकाल लेती है। नेहा कक्कर को जब उस कंटेस्टेंट के बारे में पता नहीं चल जाता, तब तक वो चुप नहीं बैठती है। नेहा कक्कर ने पूछ लिया कि वो कौन सी कंटेस्टेंट है जिसने तुम्हारा दिल तोड़ा। चिराग नाम नहीं बता रहे थे, लेकिन बाद में उन्हें काव्या का नाम लेना ही पड़ा। हालांकि काव्या और चिराग की स्टोरी को पवन अरुणिता की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शायद काव्या और चिराग पवन अरुणिता नहीं बन पा रहे। आप क्या कहना चाहेंगे इस नई जोड़ी के बारे में, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। क्या काव्या और चिराग पवन अरुणिता बन पाएंगे? भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री की जानी मानी सिंगर नेहा कक्कर आए दिन किसी ना किसी कारण से चर्चा में बनी रहती हैं। जहां पिछले दिनों वो अपने रिलीज हुए गाने के कारण चर्चा में बनी हुई थी, तो वहीं अब नेहा कक्कर इंडियन आइडल 13 की वजह से चर्चा में आ गई हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर इंडियन आइडल 13 के सेट से नेहा कक्कर की एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें काफी इमोशनल नजर आ रही है नेहा और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। इसके पीछे की वजह बहुत हैरान कर देगी, तो चलिए जानते हैं आखिर क्यों सेट पर नेहा ने आंसू बहाए। दरअसल सोनी एंटरटेनमेंट चैनल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर का एक नया प्रोमो शेयर किया था। ये प्रोमो शो के इस हफ्ते यानी टेलीकास्ट होने वाले दिवाली स्पेशल एपिसोड का था, जिसमें सुपरस्टार गोविंदा अपने परिवार के साथ शो की रौनक बढ़ाने पहुंचे थे, लेकिन अचानक से नेहा को रोते हुए देखा गया। नेहा के रोने की वजह किसी कंटेस्टेंट की परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि गोविंदा थे। बात यह है कि शो पर अपने फेवरेट स्टार को देखकर नेहा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, वो खुशी के कारण रोने लगी। प्रोमो वीडियो में देखा जा सकता है कि गोविंदा की पत्नी कहती नेहा से कि आप गोविंदा की फेवरेट सिंगर हैं, वो आपके फैन हैं। इसके बाद गोविंदा ने भी नेहा की खूब तारीफ की, जिसे सुनकर वो इमोशनल हो गई और उनके आंखों से आंसू छलक आए। नेहा को रोता देख गोविंदा उनके आंसू पोंछते हुए दिखाई दिए। इन सब के साथ नेहा को गोविंदा के साथ डांस करने का भी मौका मिला। उस एपिसोड में सिर्फ इमोशनल ड्रामा ही नहीं, बल्कि खूब मस्ती भी हुई। नेहा ने गोविंदा का पसंदीदा डायलॉग पैसा कमाओ भी बोला, जिससे दर्शक काफी खुश हुए और सब हंसते हुए दिखाई दिए। बॉलीवुड में इन दिनों दिवाली पार्टी का दौर चल रहा है। अभी हाल ही में प्रोड्यूसर रमेश तैरानी के घर दिवाली पार्टी हुई थी, जिसमें कई स्टार्स पहुंचे थे। उसके बाद बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस कृति सेनन ने अपने घर पर दिवाली पार्टी का आयोजन किया था। इन सब के बाद अब फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने भी घर पर एक दिवाली पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सुहाना खान से लेकर अजय देवगन की पत्नी काजोल तक पहुंची। लेकिन रमेश तैरानी की पार्टी की तरह इस बार भी विकी कौशल और कैटरीना कैफ की जोड़ी ने महफिल लूट ली। तो चलिए उन फोटोज को दिखाते हैं जो कई लाइमलाइट में बनी हुई है। रमेश तैरानी की पार्टी की तरह मनीष मल्होत्रा के घर भी विकी कौशल और कैटरीना कैफ ट्रेडिशनल लुक में पहुंचे। इन दोनों की फोटो ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। वाकई कैटरीना हाथों में हाथ डालकर पार्टी में जब विकी कौशल और कैटरीना पहुंचे, तो लोगों की नजरें इनसे हट ही नहीं रही थी। मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ साड़ी पहनकर पहुंची थी, जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। साड़ी के लुक ने
वाकई सबका ध्यान खींच लिया। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में विकी कौशल एकदम अलग लुक में दिखाई दिए। ट्रेडिशनल ड्रेस में विकी बेहद हैंडसम लग रहे थे। इनके अलावा बॉलीवुड की जानी मानी एक्ट्रेस करिश्मा कपूर से मिलती नजर आ रही थी कैटरीना कैफ, और करिश्मा भी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी। रेड साड़ी में करिश्मा ने भी कहर ढा दिया। इनके अलावा सुहाना, सनाया, अनन्या, नव्या जैसे स्टार्स किड्स भी फैशन का जलवा बिखेरते नजर आए मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में। पार्टी में सबसे ज्यादा खास बात ये रही कि ज्यादातर स्टार्स मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की हुए ड्रेसेस अपने स्टाइलिश लुक में पहनकर आए थे, जो उन पर वाकई बहुत सूट कर रहे थे। और ज्यादातर एक्ट्रेस साड़ी में नजर आई थी। पार्टी के लिए जानवी ने ग्रीन कलर का आउटफिट वेयर किया था, साइड कट बोल्ड ब्लाउज और दुपट्टे के साथ उन्होंने इस लुक को कंप्लीट किया। जानवी ने लुक के साथ ज्वेलरी अवॉइड की और स्मोकी मेकअप भी किया था, जो पूरे लुक में ग्लैमर्स का तड़का लगा रहा था। इनके अलावा सुहाना खान ने भी मैथलूटली सुहाना खान भी चमकती धमकती साड़ी में एकदम स्टाइलिश लुक में नजर आई थी। वहीं अनन्या पांडे ब्लैक कलर के इंडो वेस्टर्न ड्रेस में गॉर्जियस दिखाई दी। उन्होंने अपने लुक को ओपन हेयर, न्यूड लिप शेड और ग्लॉसी मेकअप वेस से कंप्लीट किया था। इनके अलावा कियारा आडवाणी गोल्डन कलर की सिमरी साड़ी में नजर आई थी। उन्होंने साड़ी को फ्लोइंग पल्लू के साथ वेयर किया, कर्ली हेयर स्टाइल उन पर काफी सूट कर रहे थे। और सारा अली खान ने भी सबको पीछे कर दिया, एथनिक वेयर को बहुत ही ग्रेस के साथ कैरी किया था। इस बार भी उनका लुक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, चोकर नेकलेस और चूड़ियां उनके लुक में चार चांद लगा रही थी। तो फैंस, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम टीवी एक्ट्रेस सना खान का है। सना खान की भी उनके ससुराल वालों से काफी अच्छी बॉन्डिंग है। सना खान के ससुराल में भी उनकी सासू माँ ने भी धूमधाम से उनका स्वागत किया था, जिससे जुड़ा वीडियो एक्ट्रेस ने शेयर किया था। इनके अलावा देविना बनर्जी की सासू माँ गुरमीत चौधरी की भी अच्छी बॉन्डिंग है। एक्ट्रेस ने कई बार उनके साथ फोटो शेयर कर अपने और उनके बीच का प्यार दिखाया था। हालांकि वो अपनी सासू माँ को आंटी कहती हैं और जिसके लिए वो खूब ट्रोल भी हुई थी। इनके अलावा मोहिना कुमारी सिंह ने बताया था कि वो अपनी सासू माँ पर गर्व करती हैं। एक्ट्रेस ने ये भी बताया था कि उनकी सासू माँ उनका न केवल खूब ध्यान रखती हैं, बल्कि उन पर जमकर प्यार भी लुटाती हैं। वहीं गौहर खान भले ही अपने ससुराल वालों के साथ नहीं रहती हैं, लेकिन असल जिंदगी में उनकी और उनके ससुराल वालों की अच्छी बॉन्डिंग है। यहाँ तक कि जयद दरबार की मम्मी के साथ भी गौहर खान के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। कांची कौल और उनकी सासू माँ मवेल अहुलावालिया की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी दिखाई जाती है। एक्ट्रेस ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें सबसे अच्छे सास ससुर मिले हैं। इनके अलावा दिव्यांका त्रिपाठी भी अक्सर अपनी सासू माँ के साथ फोटो शेयर करती हैं। हालांकि वो अपनी सासू माँ के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाती, लेकिन एक्ट्रेस जब भी उनसे मिलती हैं उनका खूब ख्याल रखती हैं। और दीपिका कक्कर की तो हर रोज आप वीडियो देखते होंगे। दीपिका कक्कर शायद ही कोई दिन ऐसा बचाओ जिस दिन अपनी सासू माँ के साथ फोटो शेयर ना करती हूँ। असल जिंदगी में भी वो बेस्ट बहू का अवार्ड जीत चुकी हैं, और रियल लाइफ में भी उनकी सास और उनकी माँ बेटी जैसी जोड़ी दिखाई देती है। ससुराल में उन्हें काफी प्यार मिलता है और ससुराल की लाडली कही जाती है।